दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है सीजीआई जीवाई चंद्रचूर हैज डिलीवर्ड द ऑर्डर इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस अलायंस द एट वोट्स व्हिच वर काउंटेड इनवैलिड विल बी काउंटेड इन द टैली एंड रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेम नो फ्रेज इलेक्शन 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे दिया गया सीजीआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का जो फैसला सुनाया मसीहा के खराब किए गए बैलेट काउंट को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रुख अपनाया सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाया और कटाक्ष किया केंद्र सरकार पर लोकतंत्र पर और चुनाव आयोग पर और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर पर उसे देखते हुए इतना तो साफ हो गया कि 2024 चुनाव के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है तो उन्होंने अपने वर्डिक्ट में अंतिम जजमेंट में क्या कुछ कहा है बताएंगे आगे आपको तो वीडियो को अंत तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीति पर मैं हूं आपके साथ अदिति देश केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन अनिल मसीहा के खराब किए गए बैलेट जो है वो फिर से काउंट किए जाएंगे और वही का उसकी ही काउंटिंग होगी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है बड़ी बात सभी बैलेट गिने जाए, उनके आधार पर मेयर चुना जाए बहुत बड़ा सबक और संदेश जो है, वो चुनाव आयोग के लिए 2024 के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दे दिया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया सर्वोच्च अदालत ने चुनाव पिछले चुनाव में वोटों की गिनती दोबारा करने का आदेश दे दिया साथ ही वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश दिया गया बता दें कि सोमवार को ही रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा ने अदालत में कबूल किया था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगा करके उसे इनवैलिड करार दिया था उन्होंने सफाई दी थी कि आम आदमी के मेयर प्रत्याशी बैलेट पेपर फाड़ने की कोशिश कर रहे थे इस कारण से उन्होंने पेपर पर निशान लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर बनने का रास्ता दोस्तों साफ हो गया है यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह और नड्डा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं वो भी जब सामने कुछ ही महीने के भीतर दो का चुनाव हो सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीहा द्वारा अवैध इनवैलिड किए गए आठ मतों को वैध मानने का फैसला लिया और उन आठ मतपत्र मत में वो जो आठ बैलेट है सब में वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया गया था ऐसे में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं अब मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी के मेयर बनने जा रहे हैं। अब कोर्टरूम में किस तरह से बहस हुई अनिल मसीहा के वकील और सीजीआई चंद्रचूड़ के बीच क्या बातें हुई आपको मैं डिटेल में बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रही हूं कि 2024 चुनाव के लिए सीजीआई द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा संदेश है और सबक है चुनाव आयोग के लिए और भाजपा के लिए दोस्तों 20 फरवरी को रूम में क्या कुछ हुआ मैं एक एक कर आपको बताती हूं सुनवाई शुरू होते ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा अगर शेड्यूल ऑफिशियल आ गए हों तो हम चुनाव के टेंपर किए गए आठ बैलेट पेपर्स देखना चाहेंगे इसके बाद जुडिशियल ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स बेंच को सौंपे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साथियों को देखकर मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे सीजीआई ने पूछा कि कुलदीप कुमार कौन है पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि इस मामले में पिटिशनर है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी कांग्रेस के उम्मीदवार थे सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा देखिए मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार जहां आठ बैलेट को आठ बैलेट पेपर को अवैध कर करार दिया गया आठों पर जो है कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा था रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी मिस्टर मसीहा अनिल मसीहा आपने कहा था कि आपने जहां जहां लाइनें खींची हैं वो बैलेट खराब कर दिए गए थे ये कहां खराब किए गए कुलदीप कुमार जो पिटिशनर है उनका कहना है ये सिर्फ एक लाइन है ये केवल पेन लगाया गया इससे बैलेट इनवैलिड नहीं हो गए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल वीडियो पर बैलेट पेपर खराब करते दिख रहे हैं। इसके बाद वे चुप रहे और अदालत में आए उन्होंने सोचा था कि वो बच जाएंगे और हम सबको गुमराह कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी निशान लगाए गए सभी आठ बैलेट्स को वैध वैलिड माना जाए और इनके आधार पर वोटों की गिनती हो पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने बेंच की ओर इशारा किया कि वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट रिटर्निंग ऑफिसर मसीहा से कह रहे हैं कि वो हरी कलम का इस्तेमाल करें लेकिन ऐसा नहीं किया गया अटॉर्नी की इस बात पर जज वीडियो देखने लगे मसीहा के वकील जो है मुकुल रस्तोगी कहते हैं उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है कुछ ऊपर से मुड़े हुए है, ये देखते हुए हैं देखते मसीहा ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाए हो सकता है कि वो सही हो या गलत यह उनका फैसला है मुकुल रस्तोंगी वो कहते हैं यानी अनिल मसीहा के जो वकील हैं उन्होंने कहा अनिल मसीहा कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे वो हंगामा मच रहा था तो मसीहा ये चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कि कोई गुनहगार जो है वो कैमरा की तरफ देख रहा हो पंजाब सरकार का कहना है कि, कि किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते ये आदमी यानी कि अनिल मसीहा खुद को शुरू से ही बचाता रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही किया तो वही जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मसीहा ने बैलेट्स पर निशान क्यों लगाए मसीहा के वकील रस्तोगी ने कहा वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुछ बैलेट अवैध हैं वो चार नहीं है ये उनका असेसमेंट था पंजाब सरकार का कहना है ये सिर्फ एक काल्पनिक मूल्यांकन यानी काल्पनिक मूल्यांकन था इसके बाद मसीहा के वकील बहस करते हुए कहते हैं जब वो वोटों की घोषणा कर रहे थे तब उन्हें आप वालों ने बैलेट्स उनसे छीन लिए जस्टिस पार्दीवाला ने कहा कल उन्होंने कोर्ट में माना था स्वीकारा था कि उन्होंने बैलेट्स पर निशान लगाए थे हमने वीडियो देखा है भाजपा कैंडिडेट के वकील कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द किया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए ये हमारे लिए जो है न्याय संगत रहेगा आप कैंडिडेट के वकील कहते हैं ये फिर से इलेक्शन इसीलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सके नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग वो टर्म है जिससे घोड़ा का अपमान होता है ये बात मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं और इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि दोबारा चुनाव नहीं कराए जाएंगे जो पुराने आठ बैलेट पेपर हैं जो पुराने आठ बैलेट पेपर्स हैं उनका फिर से गिनती की जाएगी और वहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की पार्षदों के वोट हैं जो एकदम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं आम आदमी और साथ ही साथ कांग्रेस का जो अलायंस है उसे जीत दिलाएगा दोस्तों समीकरण को समझिए कि आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद के भाजपा वो हाल ही में भाजपा में चले गए और आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद नगर निगम में पूरी तरह समीकरण बदल गए यहाँ बीजेपी के चौदह पार्षद हैं साथ ही यहाँ चंडीगढ़ सांसद का भी वोट मान्य होता है किरण खेर भाजपा से सांसद है तो भाजपा के पंद्रह वोट हो जाएंगे तीन आम आदमी पार्षदों के बीजेपी ज्वाइन करने से यहाँ आंकड़ा अठारह हो गया अकाली दल के एक पार्षद का वोट मिलाकर के ये संख्या 19 तक पहुंचेगी इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास महज 17 ही पार्षद रह जाएंगे ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव जो है वो दोबारा कराने को लेकर फैसला आता तो मामला बदल जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उन आठ बैलेट पेपर्स में कौन पार्टी को वोट मिले हैं वही गिनती के तौर पर देखा जाएगा उसके बाद कौन पार्षद कौन सी पार्टी में गए या दोबारा से चुनाव वो कुछ भी मान्यता प्राप्त नहीं होगा ऐसे में वो आठ बैलेट पेपर्स में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं ऐसे में कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है जो अलायंस है वहां से ही आम आदमी पार्टी का बेयर जो है चंडीगढ़ में बनने जा रहा है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी पर सरकार पर और चुनाव आयोग पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दबाव में काम करता हुआ नजर आता है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया साफ संकेत दे दिया कि 2024 चुनाव को लेकर अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट सी चंद्रचूड़ इसमें इंटरवीन करने वाले हैं और इंटरवीन करके वो चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी बना सकते हैं ऐसे में ये बड़ा सबक और संदेश है कि 2024 में चुनाव आयोग को चुनाव आयुक्त को और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ चुनाव को इलेक्शन को कंडक्ट करना होगा वरना सुप्रीम कोर्ट सीजीआई इसमें इंटरवीन करने वाले हैं ऐसे में दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको लगता है कि 2024 चुनाव में इस तरह की घपलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है चुनाव आयोग कर सकता है और हो सकता है कि वो कैमरे में कैद ना हो और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत 2024 चुनाव के लिए दे दिया है आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें क्योंकि देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आज भी बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें यूं यूं ही पहुंचाता है बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत